सो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। अब यहाँ पर इस चीज को सबसे पहले टॉपिक को समझते हैं। टॉपिक में लिखा है आवेशों के निकाय, मतलब कहने का है कि बहुत सारे बिंदु आवेश हैं और उन बिंदु आवेशों के कारण किसी एक बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करना है। तो इस चीज को सबसे पहले हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहां पर क्या है कि मान लेते हैं कोई एक बिंदु यहां पर P स्थित है और इस P बिंदु के चारों ओर आवेशों के निकाय हैं, यानी कि यहां पर मान लेते हैं कोई एक आवेश Q1 है, यहां पर कोई एक आवेश Q2 है, यहां पर कोई एक आवेश Q3 है, ऐसे चलते चले जाकर यहां पर बहुत सारे आवेश हैं। यहां पर मान लेते हैं Qn आवेश है। इस प्रकार से यहां पर जो आवेशों के निकाय हैं उसमें मान लेते हैं यन आवेश हैं, यानी यन बिंदु आवेश। अब ये जो पूरा आवेश का निकाय है, इस आवेश के निकाय के कारण इस P बिंदु पर विद्युत विभव की गणना हमको करनी है। तो इस चीज की गणना करने के लिए सबसे पहली बात क्या होगी, इसके बीच की दूरी हम निकाल लेंगे। तो यहां पर इसकी जो बीच की दूरी है इसको हम क्या मान लेंगे, आर वन पी। अब यहां पर हमने आर वन पी क्यों लिया, यहां पर 1p लिखने का क्या मतलब है, 1p लिखने का मतलब है कि इस q1 और p के बीच की दूरी की बात की जा रही है। ठीक इसी प्रकार से इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, r2p हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, r3p हो जाएगी, और ऐसे ही यहां इसके बीच की जब दूरी लिखेंगे तो rnp हो जाएगी। इतनी बात यहां पर आपको समझ में आ गई होगी। अब हमको करना क्या है, हमें इस ये जो पूरा आवेश का निकाय है, इस आवेश के निकाय के कारण इस P बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करनी है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम ये जो Q1 है इस Q1 के कारण इस P बिंदु पर विद्युत विभव का मान निकाल लेंगे, उसके बाद में इस Q2 के कारण इस P बिंदु पर विद्युत विभव का मान निकाल लेंगे, Q3 के कारण इस P बिंदु पर विद्युत विभव का मान निकाल लेंगे, ऐसे सारे बिंदु आवेशों के कारण इस P बिंदु पर विद्युत विभव का मान निकाल लेंगे। और उसके बाद में उसका जब हम बीज गणितीय योग कर देंगे, अर्थात उन सारे मानों को जोड़ देंगे, तो हमें इस P बिंदु पर पूरा परिणामी विद्युत विभव का मान मिल जाएगा, अर्थात पूरे आवेश निकाय के कारण इस P बिंदु पर विद्युत विभव का मान मिलेगा। तो सबसे पहले हम इस Q1 के कारण इस P बिंदु पर विद्युत विभव का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। अब यहां पर हम लिखेंगे Q1 के कारण P बिंदु पर विद्युत विभव, विद्युत विभव। अब Q1 के कारण इस P बिंदु पर विद्युत विभव की बात होगी तो क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। और V1 आपको बता दें कि इसके पहले वाला जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान। तो यहां पर अगर एक बिंदु आवेश है और किसी बिंदु पर हमें विद्युत विभव का मान निकालना है, तो वो जो मान मिला था वो क्या मिला था, वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपान आर, यही हमको मिला था। ये हमारा होता है विद्युत विभव का सूत्र। तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा, वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, ध्यान दीजिए यहां पर क्या है क्यू, तो क्यू के स्थान पर हमारा क्या होगा क्यू वन, क्योंकि यहां पर क्यू वन आवेश है, तो यहां पर हम लिखेंगे क्यू वन। उसके बाद में यहां पर हमारा जो बिंदु है ये पी है और इनके बीच की दूरी क्या है, आर वन पी, तो बीच की दूरी यहां पर आर है, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, आर वन पी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके और इसके बीच की दूरी आर वन पी है। तो ये हमारा पहला हो गया। उसके बाद में अब हम बात करेंगे इस क्यू टू के कारण इस पी बिंदु पर विद्युत विभव, तो यहां पर हम लिखेंगे क्यू टू के कारण बिंदु पी पर, बिंदु बिंदु पी पर विद्युत विभव क्या हो जाएगा हमारा, यहां पर हमारा हो जाएगा V2 और उसके बाद में वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये तो होगा ही, यहां पर क्या है आवेश क्या है हमारा Q2 है, यहां पर हम इस Q2 की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हमारा आवेश Q2 हो जाएगा। उसके बाद में नीचे जो बीच की दूरी है वो क्या है,
R2P, तो यहां पर R2P हो गया, ये हमको मिल गया। ठीक इसी प्रकार से ये चलता चला जाएगा ऐसे ही। क्यों क्यों चला जाएगा? क्योंकि यहां पर देखो, यहां पर Q1 था, यहां पर Q2 है, आगे वाले पद में Q3 होगा, आगे वाले पद में Q4 होगा, ऐसे ये चलता चला जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर nवें पद की बात करेंगे तो Bn इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 इंटू यहां पर क्या हो जाएगा Qn, आवेश क्या होगा Qn होगा, और बीच की दूरी क्या होगी RnP, तो यहां पर क्या हो जाएगा RnP। ये इतनी बात हो गई। तो हमें क्या मिला, हमें मिला ये जो बिंदु आवेश हैं, इन बिंदु आवेश के कारण इस P बिंदु पर अलग अलग विद्युत विभव के मान यहां पर हमको मिल गए। अब हमको टोटल विद्युत विभव का मान, यानी कि इन आवेश निकाय के कारण इस P बिंदु पर परिणामी विद्युत विभव का मान निकालना है। तो यहां पर हम लिखेंगे क्या, अतः पी बिंदु पर आवेश के निकाय के कारण विद्युत विभव क्या हो जाएगा, बीजगणितीय योग हो जाएगा। अर्थात टोटल जो V का मान होगा वो क्या होगा, V1+V2+V3+...Bn, अर्थात जितने यहां पर बिंदु आवेश हैं सारे बिंदु आवेश के कारण जो P बिंदु पर विद्युत विभव का मान है उसका टोटल कर लिया जाएगा, बीजगणितीय योग कर लिया जाएगा। तो ये हमारा इस P बिंदु पर परिणामी विद्युत विभव का मान मिल जाएगा। तो यहां पर हम मान रखते हैं, तो B1 का मान क्या है, यहां पर ये है, तो यहां पर लिखते हैं 1/4πε0 इंटू Q1/R1P हो गया। उसके बाद में यहां पर प्लस लगेगा, प्लस लगा, उसके बाद में B2 का मान यहां पर है, तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 और इंटू हो जाएगा Q2/R2P हो यहां पर हो जाएगा, फिर यहां पर ये प्लस हो जाएगा, ऐसे ये चलता चला जाएगा, और nवां पद हमारा क्या होगा 1/4πε0 यहां पर प्लस लगेगा इंटू यहां पर क्या हो जाएगा Qn/RnP। ये इतनी बात हो गई। यानी कि यहां पर हमने क्या किया कि ये जो हमारा B1 का मान था वो हमने यहां से B1 का मान उठाकर यहां पर रख दिया, B2 का मान यहां पर रख दिया, ऐसे B3 का मान हो जाएगा, B4 का मान हो जाएगा, और ऐसे इनफाइनाइट में ये हमारा हो जाएगा Bn का मान। इतनी बात हो गई। अब यहां पर क्या है कि ये जो 1/4πε0 है ये हर पद में पड़ेगा, यहां पर भी पड़ेगा, यहां पर भी पड़ेगा, यहां पर भी पड़ेगा, इसके अगले वाले पद में भी पड़ेगा और अंतिम वाले पद में भी पड़ेगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि ये 1/4πε0 को कॉमन ले लेंगे, तो यहां पर जो हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, V=1/4πε0, ये हमारा कॉमन हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा Q1/R1P ये बचेगा, उसके बाद में दूसरे पद में ये तो कॉमन हो गया, ये बचा यानी कि Q2/R2P, ऐसे तीसरे पद में Q3/R3P, ऐसे चौथे पद में Q4/R4P, ऐसे कर यहां पर अंतिम पद जो मिलेगा वो क्या होगा Qn/RnP। यानी कि हमने हर पद में से ये 1/4πε0 कॉमन ले लिया। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, यहां पर हर एक पॉइंट पर ये प्लस लगा, यानी कि यहां पर क्या किया गया है, योग किया गया है। तो इस चीज को हम क्या करेंगे कि समेशन के रूप में लिख लें, तो इतने बड़े पद को हम छोटे पद में लिख लेंगे। यहां पर आप विशेष ध्यान दीजिए, यहीं पर आपको दिक्कत होगा, ये जो पद है ये योग के रूप में लिखा हुआ है। अब इसको ऐसे सिस्टम से लिखते हैं कि इसको एक छोटे भाग में अगर हम लिख पाए तो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, हम अगर इस चीज को समेशन लगाकर लिखेंगे तो क्या होगा, 1/4πε0 ये तो होगा ही, इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर मैं आप सभी को बताता हूं, यहां पर हम क्या करेंगे i=1 to n मान लेंगे, उसके बाद में यहां पर हम क्या लिख देंगे Qi/RiP। ये इतनी बात हमने लिखी है। अब ये क्यों कैसे लिखी है इसको मैं समझाऊंगा, लेकिन पहले यहां पर आप ध्यान दीजिए। देखिए यहां पर Qi=1 to n का मतलब क्या होगा, यहां जहां जहां यहां पर i है उसके स्थान पर 1 से लेकर n तक गिनती को रखते चले जाएंगे और योग का निशान लगाते चले जाएंगे। तो पहली बार में हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो Q1/R1P हो जाएगा, फिर प्लस लगेगा,
फिर वन रखें उसके बाद में टू रखेंगे तो प्लस लगाने के बाद में क्या हो जाएगा Q2 अपान R 2P हो जाएगा। फिर प्लस लगाएंगे फिर अब 2 रखे तो अगले बार में हम 3 रखेंगे, ऐसे 3 रखेंगे तो Q3 अपान R 3P हो जाएगा, ये वाला पद आ जाएगा। फिर प्लस लगेगा, ऐसे ये चलता चला जाएगा और कहां तक जाएगा, N तक जाएगा। तो Nवें पद में जब हम N रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा Qn अपान R Np, अर्थात इतने के स्थान पर हम ये इतना चीज लिख सकते हैं, अर्थात समेशन लगाकर हम ये इतनी बातें लिख सकते हैं। ये जो हमें मान मिला है ये हमारा मान है इस आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव का, यानी कि यहाँ पर ये जो Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn यानी कि जितने सारे बिंदु आवेश होंगे उन बिंदु आवेशों के कारण इस P बिंदु पर जो परिणामी विद्युत विभव का मान है वो हमारा यहाँ पर ये मिल गया। अब इसका जो मात्रक होगा वो हमको पता है वोल्ट होगा, तो ये हमारा हो गया विद्युत विभव इन आवेशों के निकाय के कारण। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाजत, जय हिंद वंदे मातरम।